बहुत बड़ा मशहूर वाक्य आपने सुना भी होगा ऑलरेडी, खलीफा हारून रशीद कहीं जा रहे सालों की अहलिया तेरा भी नाम है। तो देखा कि दरिया के किनारे बुजुर्ग हैं, ये तो वो इस तरह आप माशाल्लाह कोई बचपन से गुजर के आए हैं, तो बच्चे बचपन में वो रेत के घर बनाते हैं, कौन दिया उसको रेत जमा के होकर कौन निकाल दिया तो घर बना, तो वो पैरोल दादा जो है वो मट्टी के रेत के इस तरह गौंदे से बना रहे। तो इन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो जो है ना कि क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा कि मैं जन्नत के घर बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, तो वो माई साहब पूछती हैं कि कितने का दो, तो यकीन की बात है ना, यानी यकीन की बात है कि कितने का दोगे, तो उसने कहा जी 10 आने या 10 रुपए, छोटी सी कीमत बताई, तो वो उसने 10 रुपए दे दिए, कभी एक घर मेरा भी बना। तो वो बादशाह खलीफा हारून रशीद उनके खून के साथ ये मंसूब है। थोड़ा आगे चल के तो उन्होंने कहा कि बेगम आपने कहा उसका 10 रुपए जाया कर, 10 आने जाया कर, तो ये दीद है अपना फौज में लगा हुआ है। उसने कहा चले उसकी हिम्मत हो गई है, ये मेरा और अल्लाह का मामला है, मैंने बस दे ही दिया। तो कल गुजर गया, रात को जब सोए तो बादशाह को अल्लाह तआला ने जन्नत की सैर की, सुभान अल्लाह का घर, उसकी बेगम का नाम लिखा हुआ है महल के ऊपर। वो अंदर जाने लगा तो उन्होंने रोक लिया, तो बंद कहा जाते हो, कहता ये मेरी बेगम का घर, कहता ये दुनिया तो नहीं है ना, यहाँ तो जिसने कमाया उसी को मिले। उसे कैसे मिल गया, तो कभी आज ही बना पाया, उसको यकीन हो गया बाबा अंजय नहीं है। सुबह फिर जब गए बाबा वही घर बना रहा, तो आज फिर पूछा हाँ बाबा क्या बनाते हो, जन्नत में घर बना रहा हूँ। तो बच्चा आज में घर क्या रेट है, 10 लाख का, कितने का देना, रेट बढ़ा दिया वो ज्यादा बढ़ा। उसने कहा भी यार ये क्या मसला है, कल तो 10 आने का है, 10 रुपए का दे रहे, तो आज इतना रेट बढ़ा दिया, तो तब्दीली आ गई, तब्दीली आई ना, इतनी तब्दीली आ गई। उसने कहा बाबा बात यह है कि जिन्हें कल सौदा पीता है ना, फिर तो क्यों सौदा फिर देख के सौदा की है, का सौदा तो आज देख के आ रहे हैं। तो जैसे ये बिल्कुल आपको जैसे मैंने मिसाल दी है अपनी असायत की, कि जैसे बिन देखे रेट और था, और जब देख लिया तो रेट और हो गया। ऐसे ही कलमा जिसने पढ़ा है तो बगैर किसी तकलीफ के या बगैर किसी तंगी के या बगैर किसी मेहनत के या बगैर किसी इम्तिहान और आजमाइश के कलमा पढ़ना और है, बगैर किसी इम्तिहान के कलमा पढ़ना लाड़ प्यार से ही और बात है, लेकिन मुश्किल वक्त में कलमा पढ़ना ही और। तो आज इस मकाम पे अल्लाह पाक ने मुश्किल वक्त में कलमा पढ़ने वाले बना दिया, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने फरमाया है आयत नंबर 172 है, फरमाया के अल्लज़ी नस्तजाबू लिल्लाहि व रसूलि मिन बादि मा असाबहुम अल-क़ाहिर, सुभान अल्लाह। इस ओके वेला सारे क्या है नहीं, ओके वेला यार फिर पता चले ना भी यार है नहीं, वो लोग
کہ جنہوں نے تکلیف اور مصیبت اور زخم اور امتحان آنے کے بعد بھی کلمے پہ جو ڈٹے رہے ان کی بات ہے من بعد ما اصاب المصیبۃ, جنہوں نے اللہ رسول کی آگاہ کو زخم کھانے کے بعد بھی لبیک کہے. ابھی اللہ نے کہا ہم آپ بھی آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس کے بعد بھی یعنی کہ کلمہ پڑھ کے صرف جنت میں ڈائریکٹ چلے جانا یہ تو اور بات ہے, لیکن کلمہ پڑھا تھا جنگیں بھی لڑی ہیں, تلوار بھی کھائی ہے, زخم بھی کھائے, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد بھی کھائے کہ ہمارا رب تو وہی ہے. تکلیف کے بعد یہ اور سوال ہے, اس کا اور مزہ ہے, اس کا اور اجر ہے ان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اجر بھی بیان کیا ہے, فرمایا للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی اور اچھائی کی بھلائی کی, اللہ پاک ایمان لائے تکلیف لانے کے باوجود, امتحان دینے کے باوجود, فرمائش آنے کے باوجود ڈٹے رہے, ڈگمگائے نہیں ہیں, ہلے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. فرمایا تقور ڈرے بھی بےزگاری بھی اختیار کی, ان کے لیے کیا فرمایا اجر عظیم, اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر, کیا تیار کیا ہے, اجر عظیم. تو اندازہ لگائیں کہ جس کو اللہ فرمائے کہ عظیم اجر تیار کی ہے, تو اللہ کا عظیم کتنا ہوگا اور اللہ کا قلیل کتنا ہوگا. کل متاع دنیا قلیل, فرمایا کہ جو دنیا کا سارے کا سارا مال ہے نا یہ قلیل ہے, دنیا اور دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے, قلیل ہے. وہ اندازہ لگاؤ جس کا قلیل اتنا ہے اس کا عظیم کتنا ہوگا, جس کے قلیل کو بھی نام بول کو نہیں کر سکا, جس بھی ہے کائنات کا سائنسدان, جس نے دنیا اور دنیا کے نعمتوں کا کوئی اینڈ ایک نکالا ہو, کوئی ایک سیا دیا ہو, کہ اتنے نعمتیں ہیں اور اتنا یہ جغرافیائی حوالے سے یا انعامات کے حوالے سے یا جو اللہ پاک کے یہاں پر فضل و احسانات ہیں, جو معدنیات ہیں, جو وسائل ہیں, جو معاملات ہیں, یہ جو قلیل ہے, قلیل یہ کیا ہے, قلیل ہے, تھوڑا تھوڑا سا, بالکل تھوڑا. جس رب کے قلیل کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا, تو اس رب کے اجر عظیم کا اندازہ کون لگا, ٹھیک ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اجر عظیم ان لوگوں کے لیے جو مصیبت اور امتحان آنے کے بعد بھی ڈٹے رہے کرتے ہیں آپ کے اوپر, فرمایا ان کے لیے اجر عظیم. اور وہ ایک روایت ملتی بھی ہے, جب جنت میں جائیں گے اور جہنم میں جانے میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال کیا جائے گا کیا ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا جنت کا, جنت ملی ہے یا نہیں ملی, تو جانا والا اس کو پوچھا جائے گا. بلکہ ایک اور روایت اس سے اوپر میں آپ کو سناؤں کہ جو جنت میں جائیں گے ان کو جنت میں جانے کے بعد جہنم دکھائی جائے گی, ان کو جہنم دکھائی جائے گا, بتایا جائے گا تاکہ اس کو پکا یقین ہو جائے کہ یہ جنت جو تمہیں ملی ہے یہ تو ملی ہے نا ایمان کے صدقے سے, اچھی اعمال کے صدقے سے. ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا اگر تو یہ اعمال نہ کرتا اور جنت کا کام نہ مطلب ہے جنت, ایسا جنتیوں کو ان کا جنت والا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ اگر آپ اس کے اپوزٹ کام کرتے تو ایسا ہو جاتا. اور جیسے جنتیوں کو جہنم والا ٹھکانہ دکھایا جائے گا اسی طرح جہنمیوں کو جنت کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا. کہ آپ لوگوں نے بولا ان کی بات نہیں مانتی, اگر مان لیتے کوئی یہ جنت ہے,
यहाँ पर भूकंपी ने नंतर बताया कि जल्दी तो जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जन्नत में जन्नत जाके निकालना, फिर निकल कर दिखाने का फायदा क्या है? सवाल तो है ना, ठीक है, रीजन क्या है? वो दिखाने का वजह क्या है? फरमाया इसलिए ताकि जो जन्नत में जाएंगे वो अल्लाह का और शुक्र अदा करें, उनके यकीन में और इजाफा हो जाए। हाँ यार वाकई बड़ा शुक्र भाई आपका, वो तो भी गर्म यार यार वो बड़ा गलत तकता है, अच्छा हो गया क्या मुदर खाते में नहीं गए, चंगे रहे अभी इधर आ गए, ऐसा भी होता। हाल आज भी आप देखते हैं ना, मैं अपना से दुखी है, ऐसा भी फिर होता किया वो हाल हो है। बताते हैं ना आप अपने बच्चों को या दोस्तों जी, आप किसी काम से मना करें और वो बात आ जाए तो जो बात ना आए उसका जवाब आप दिखाते हैं, जो बात नहीं आया देखो उसका क्या अच्छा है, उसने मेहनत नहीं की देखो आज फेल हो गया, और जो फेल होते हैं उनको बताया जाता है देखो फलाने मेहनत की है वो फर्स्ट आ गया पास हो गया। तो यहाँ जन्नत और जहन्नम का भी एक कंसेप्ट है, और फिर जहन्नमियों को इसलिए दिखाया जाएगा ताकि वो भी एक और अजाब में मुबतला हो जाए, काज भी आपसे जब फिर कम कर इनको भी यकीन हो जाए कि बाकी यार अगर आप अच्छे काम करते हैं तो फिर आप जन्नत में जाते हैं। वो बात का नारा था कि अजीम की बात, अजीम का इशारा फरमाया के उनसे पूछा जाएगा कि कुछ लोग बोलते हैं कुछ वायर के अंदर जन्नत में कुछ लोग परेशान हैं, जन्नत में जाने के बावजूद कुछ लोग पूरे उसमें नहीं होंगे, इनकी रेफरेंस नहीं आई गई है, तो उनसे पूछा जाएगा आप क्या पूछना है भाई, वो कहेंगे मिया अल्लाह ये जन्नत है ये हूरे हैं ये नेमत है ये दुनिया में भी बड़े बड़े फ्रूट और बड़ी और खूबसूरत देखते थे बड़े अच्छे दुनिया की हम रक्षण करके हम भी बड़ा माल बटोर सकते थे, लेकिन जानना आपने वो दुनिया में अगर मेहनत की है ये रात को जागते रहे हैं या पैसे पढ़ते रहे हैं, ये रात को आगे पढ़ते रहे हैं या रोजे रखते रहे हैं या इबादतें करते रहे हैं रात को तो भी पढ़ते रहे हैं, तो आपने ये मेहनत की तो ये ही नहीं आपने जन्नत के लिए दिया ही नहीं है, हमें तो यहाँ पर वो मजा नहीं है करके आप उतर कैसे मजा आता, वो कहेंगे कि अल्लाह आपने तो इसके बनाने वाले के लिए किया, सुभान अल्लाह, जब तक आप उस बना देंगे हमें मजा नहीं आएगा, या तो हमें तो आपका दीदार चाहिए। तो वह कहता है कि अल्लाह को आप जैसे उसकी शान है उनको रब की दान, इसीलिए अल्लाह को आप ने तुम्हारे पास में जा बजाय प्यार फरमाया बस फिर नाश्ता का पाल जाती है यार गुना रखो फिर बता की वाला चाहिए यूरीदू ना वजहू अल्लाह तुलामी ने फरमाया क्या महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने साहबा के साथ जुड़े रहिए, साहबा के साथ जुड़े रहिए और इनको कभी परेशान ना होने दिया करें और इनके साथ लगे रहा करें, क्यों? इसलिए कि ये जो सुबह शाम इबादत करते हैं ना ये जन्नत के लालच में या दौलत के डर से नहीं बल्कि ये तो अल्लाह की रजा के लिए, सुभान अल्लाह, सुनना बज रहा हो ये तो अल्लाह की रजा चाहते हैं, तो वो अजर अजीम जो है उसका आपके अंदाजा लगा ही नहीं सकता, इसकी दलील का कोई अंदाजा लगा सकता, फिर इसके अजीम का कोई अंदाजा लगा सकता। अल्लज़ीन क़ाला लहुम नास इन्ना नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना, ये तो ऐसे लोग हैं अजीब वाले, उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारी है, साथ थोड़ा सा जनाब की प्रेशर आ जाए तो आ गया छोड़ देते हैं ना, थोड़ा सा प्रेशर आ जाए छोड़ देते हैं, होता है ना ऐसे, कोरोना तक लोग भी कोरोना पर छुट्टी लोग नहीं चुके हो गए हैं जी, छोड़ गया कुछ दिन, कई लोग देखते हैं इस्लाम देना छोड़ गया सारे, यानी कि मैं वैसे ये सब नहीं है लोग के बीमारी नहीं है, वैसे मैं बात करता हूँ कि हमें अपनी जान इतनी अजीज है उसके लिए पूरी इकदार इकदार से मिलने के लिए तैयार नहीं, फरमाया कि अजीब वालों ने कैसे जिंदगी गुजारी है, फरमाया कि ये ऐसे लोग हैं, अब अजीब वालों के नाम में अगर कोई ऐसी ना अजीब वालों क्या चाहते हैं, फरमाया अल्लाह की ना बाला लाऊ नासो ये ऐसे लोग हैं कि दुनिया में लोगों ने इनसे कहा, लोगों ने अजीम वालों से कहा क्या कहा, इन नाफा पर जमा हूं लखम
ਤਬ ਵੇ ਕਾਫਰ ਕਾਫਰ ਬੜਾ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਬੜੇ ਊਂਠ ਬੜੇ ਘੋੜੇ ਬੜੀ ਤਲਵਾਰੇ ਬੜੇ ਨੇਜੇ ਬੜੇ ਭਾਲੇ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਮਾਰ ਚਲਾਦੇ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਸਲਮਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਦਾ ਬਦੋ ਬਦਾ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਤੁਹਾਰਾ ਸਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਈ ਮੈਂ ਬਾਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕਰਮ ਚੰਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰਪਗੰਡੇ ਕਰਦੇ ਆ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਜ਼ੀਮ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਇਨਕੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਪਗੰਡੇ ਕੀਏ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨੇ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਬ ਕੋ ਭਈ ਅੱਗੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਭਈ ਤਬ ਕੋ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਭਈ ਤਬ ਕੋ ਵੀ ਪਤੀਆਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸਰ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੋ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਬ ਇਹ ਅਜ਼ੀਮ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਹੈ پاکستان چھوٹا سا ملک ہے کوئی اوقات نہیں ہے دنیاوی حوالے سے کرتے ہیں نہ کہتے ہیں لدے ہے پاکستان ہاں جی لیکن کسی کی ضرورت نہیں ہے گل ہے نا بالکل ایمان کی طاقت تو ہے نا بہتر یعنی کہ گل ہے ضرور اگر کرپ بھی ہے لوگ سارا کچھ ہے لیکن اس کے باوجود جو کرنے کی طاقت ہے اس کو کون چیلنج کر رہا ہے